हेलो बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे रिपीटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। जावा है वह थ्री टाइप ऑफ रिपीटिव स्ट्रक्चर, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, उसका फिगर यहाँ पे हमने दिया ही है। देखो, ये फॉर लूप है, ये व्हाइल लूप है और ये डू व्हाइल लूप है। हमारे प्रोग्राम में, जावा के प्रोग्राम में, ये इस तरह से वर्क करेंगी। ओके, यहाँ पे इसकी सिंटेक्स भी दी गई है, इसकी यहाँ पे सिंटेक्स है। ओके, वो एक्सप्रेशन चेक करेगा, वो ट्रू और फॉल्स कंडीशन होगी तो फॉल्स में से वो बाहर आ जाएगा, ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट चेक करने के लिए एक्सप्रेशन थ्री चेक करेगा। ओके, फॉर लूप ऐसे वर्क करेगा। फिर व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप भी ऐसे वर्क करेगा, एक्सप्रेशन या ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट चेक करने के लिए जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट चेक करने के लिए नहीं जाएगा। फिर डू व्हाइल कैसी है, वो व्हाइल लूप से उल्टी है, यानी कि पहले वो स्टेटमेंट चेक करेगा, उसके बाद क्या होगा, अगर वो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन चेक किया ट्रू होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो बाहर आ जाएगा। ओके, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। देखो, इन फोर इन व्हाइल लूप द टेस्ट एक्सप्रेशन इन इवोल्यूटेड फर्स्ट इन द स्टेटमेंट इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड If condition is true, इसमें क्या बताया गया है, वो first पहले क्या करेगा while loop, पहले वो expression को test करेगा। देखो यहाँ पे दिया गया है while loop का diagram, आप देखिए while loop के diagram में पहले वो expression दिया गया है, उसके बाद में statement वो check करेगा। okay, और स्टेटमेंट वो उसके बाद चेक करेगा। ओके, दिस लूप्स आर एंट्री कंट्रोल और प्रीटेस्ट लूप्स। ओके बच्चों, ये आपको याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में आता है कि कौन से लूप को हम एंट्री कंट्रोल या प्रीटेस्ट से जानते हैं, तो वो कौन सी लूप होगी, तो के व्हाइल लूप। ओके, हियर इट इज पॉसिबल द स्टेटमेंट इन ए लूप्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ओके, क्लियर। वेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर प्री डिटरमाइंड, यूजली फोर लूप इज यूज इन दिस लूप ऑल द थ्री एक्सप्रेशन आर ऑप्शनल। ओके, अब आई है दूसरी लूप, वो है फोर लूप। ओके, फोर लूप में क्या है, तीन ऑपरेशन है। देखो, हमने देखा था ना इसके सिंटेक्स में, देखो एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू और एक्सप्रेशन थ्री। ओके, वो कैसे वर्क करेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा वो एक्सप्रेशन इज इनिशियलाइजर। ओके, हम उसको बोलते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वो फर्स्ट पार्ट वो होगा। सेकंड एक्सप्रेशन इज कंडीशन, कंडीशन यानी कि हमें कहाँ तक जाना है उसकी कंडीशन हमने वहाँ पे रखनी है सेकंड एक्सप्रेशन में। एंड थर्ड एक्सप्रेशन इज इन इटरेटर्स, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे कौन सी इटरेटर्स यूज करनी है। ओके, मोस्ट ऑफ वहाँ पे दो ही आते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, हमने आगे ही देखा था वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। ओके, हमें कहीं भी रिपीट करना हो वो ये पार्ट में आएगा। ओके, कहाँ तक, वो तीनों पार्ट को हम अलग करने के लिए बीच में कौन से सिंबल यूज करेंगे, ए सेमी कॉलन्स। ओके, बट रिक्वायर्ड सम्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स टू ब्रेक द लूप्स, इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इफ वायर इज रिजल्ट इन इनफाइनाइट लूप्स। हमें यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों, कि अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। ओके, इसका मतलब इसका कोई अंत ही नहीं होगा। ओके, मैंने दो लूप आपको कंप्लीट करवाई, फर्स्ट वाली थी व्हाइल लूप, सेकंड वाली थी फॉर लूप, अब थर्ड है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल का डू व्हाइल लूप क्या करेगी, इफ द इवैल्यूएट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन अ लूप। जो व्हाइल लूप है उससे उल्टी लूप जो वर्क करेगी वो है इवैल्यूएट। ओके, वो है व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप
में हमने पहले क्या किया था, पहले टेस्ट एक्सप्रेशन एवलुएट किया था फर्स्ट, ओके, उसके बाद में हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था, ओके, और डुअल लूप में क्या होगा, देखो डुअल लूप इट्स एवलुएटेड द टेस्ट एक्सप्रेशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट, इसका मतलब पहले वो स्टेटमेंट यूज करेगा, उसके बाद वो जो एक्सप्रेशन को टेस्ट करेगा, ओके, इफ द रिपीट्स द लूप इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, दस डुअल लूप इज एग्जिट कंट्रोल और पोस्ट टेस्ट लूप। चलो बच्चों ये भी हमें याद रखना है, जो व्हाइल लूप होगी वो है एंट्री कंट्रोल और प्री टेस्ट लूप, और डुअल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल और पोस्ट टेस्ट लूप, ओके, तीनों लूप के यहाँ पे हमने प्रोग्राम दिए ही गए हैं, ओके, देखो फॉर लूप में तीन कंडीशन है, हमने देखा था ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने कंडीशन रखी है, और ये जो रिपीट हमें करना है मैंने बताया था वो प्लस प्लस और माइनस माइनस ही वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट ही होगा यहाँ पे, ओके, फिर ये वाइल लूप है, देखो उसमें क्या है, पहले ये वाइल कंडीशन ली है, उसके बाद हमने यहाँ स्टेटमेंट चेक करवाया है, ओके, फिर ये डू वाइल है, वो उससे उल्टी वर्क करेंगी, पहले ये काम करेगा उसके बाद ये काम, ओके, ये तीनों के तीनों लूप्स है, ओके, फिर से मैं बता दूँ, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, क्लियर बच्चों। उसके बाद है यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिस तरह से उसके नाम है उसी तरह के उसके काम ही है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, कहीं भी स्टॉप होना, इसी तरह हमें प्रोग्राम में से कई कंडीशन को स्टॉप करना हो तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ओके, अगर मुझे कंटिन्यू वो प्रोसेस आगे ले जाना हो तो हम उसको कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। देखो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल आउटसाइड स्विच और लूप स्ट्रक्चर, ओके, स्विच और लूप्स में उसका यूज होगा, अभी हमने देखा, व्हेन द ब्रेक इज यूज इन स्विच स्ट्रक्चर इट्स skips all the following statement and control is transferred at the first statement after the end of switch statement, okay, हमने कहीं भी switch statement का use किया है तो उसके last में हम break का use करेंगे, क्योंकि अगर मैंने break नहीं लगाया तो वो statement continue ही रहेगा। In a loops, break statement is used to exit the loops when the break is executed in a loop. All the following statement in a body of the loop are skipped and no further interactions take place. Okay, if the control is transferred at the first statement after the end of loop structures, remember that the break jumped outside the nearest loop containing this statement. Okay, use of the continue statement is used to skip the following statement in a loops and continue with the next interactions. Both the statement break and continue are used the same way in the C language. C language क्या है बच्चों, वो भी हमारी जावे की तरह ही एक लैंग्वेज है, ओके, आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब पता चला, ओके, ये देखो ये कंटिन्यू का प्रोसेस हमने यहाँ देखा है, यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज टू स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, कई स्टेटमेंट को वो स्किप करेगा और लूप्स को कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इंटरेक्शन, ओके, क्लियर, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, ओके बच्चों, ये चैप्टर यहाँ ही खत्म होता है, थैंक यू।